हेलो एंड वेलकम साथियों मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत साथियों ये सीरीज जे के एस एस बी स्टॉक एक्सचेंड के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है टारगेट रखा हुआ है जो आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स और उस बेसिक रीजन के जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है फोर्टी आउट ऑफ फोर्टी का यह टारगेट रखे हुए आप दोस्तों के साथ गुजारिश कर रहे हैं जो साथी नए जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जो जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त हमारे साथ जुड़ सकें क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में कंसेप्ट सीखे थे आज उसके बेस पर हम क्वेश्चन करेंगे और ये वो क्वेश्चन होने वाले हैं जो अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इस टॉपिक पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को बहुत सारे मिलेंगे तो यकीन मानिए ये क्वेश्चन ये टॉपिक जो है हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करेगा क्योंकि अगर आप जेके एस ए की पर्टिकुलरी स्टॉक एक्सटैंड की ही बात करेंगे तो उसमें ये आपको देखने को मिलेगा सिमिलरली अगर आप अलग अलग जेके एस बी पटवारी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं अगर आप इसके साथ साथ आने वाले एस आई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक एग्जामिनेशन में ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो चलिए सर स्टार्ट करें बिना किसी देरी के चलिए आज की क्लास पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से डाल रहे हैं चलिए जी चलिए जी क्वेश्चन में बोला गया है इस तरह से आपसे पास पूछा गया है बात हो रही है ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो बारह दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं ए अलोन कैन डू इट इन एटीन डेज ए अकेला अगर काम करें तो अठारह दिन में कंप्लीट हो रहा है इन हाउ मनी डेज बी अलोन कैन डू इट बी अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा बिल्कुल मेरे दोस्त आपका टाइम शुरू हो रहा है तीस सेकंड का क्वेश्चन है और तीस सेकंड में आपने इंपरा देना है चलिए जी तीस सेकंड का हम समय आपको दे रहे हैं तब तक इसका हम जो है में आपको दे रहे हैं क्या दिया गया है ए प्लस बी अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है बारह दिन में काम कंप्लीट हो रहा है बी अकेला अगर इस काम को कर रहा है तो अठारह दिन में कंप्लीट हो रहा है आपसे पूछा गया है कि ए अकेला करेगा तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा बताइए मेरे दोस्त चलिए समय की समाप्ति है क्या करना है इन दोनों का आप एल्सियम लेंगे तो बारह और अठारह का एल्सियम क्या हो गया आपके पास छत्तीस छत्तीस को बारह से डिवाइड कीजिए तो तीन आ गया छत्तीस को अठारह से डिवाइड कीजिए दो आ गया मतलब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी तीन है बी एकेली की एफिशिएंसी दो है तो इसका मतलब ए अकेली की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तीन माइनस दो एक यहाँ तो बात क्लियर है अब ए की एफिशिएंसी एक है टोटल वर्क आपके पास ये क्योंकि हम आपको कल बोला होता है कि जो हम एलसीएम लेते हैं वो आपके पास क्या कहलाएगा वो आपके पास टोटल वर्क कहलाएगा अब चूंकि आपको पता है सर टोटल वर्क डिवाइड बाई एफेंसी विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ डेज ठीक है टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ पर थर्टी सिक्स जो अभी अभी आपने निकाला है यहाँ पर टोटल एफिशंसी है कि कितनी है वन डिवाइड बाई वन कीजिए तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा यहां पर गए छत्तीस डेज लगेंगे बी अकेले को काम करने के लिए ठीक है जी यहां पर क्वेश्चन दिया गया था ए अलोन यहां पर ए दिया गया है यहां आपने बी निकालना था ठीक है कोई बात नहीं है ये आप क्लियर करेंगे यहाँ यहां पर ये यह... ठीक है यहां पर आपके पास ए की एप्शंसी दी गई थी बी आपने निकालना था तो सिंपल क्वेश्चन था ए प्लस बी बारह दिन में कर रहे हैं ए अकेले अठारह दिन में कर रहे हैं बी कितने दिन में करेगा दोनों की ऑप्शन ए प्लस बी की तीन आ गई ए अकेले की ऑप्शनसी दो है बी की ऑप्शन तीन माइनस दो एक आ गई छत्तीस का काम है ए की ऑप्शनसी करेंगे छत्तीस जोड़े वन डेट थर्टी सिक्स डेज ये आपके पास आंसर है नोट कीजिए दूसरा क्वेश्चन एट द एंड ऑफ क्लास आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा वो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के ऊपर एज थर्टी परसेंट मोर एफिशिएंट देन बी ए तीस परसेंट ज़्यादा एफिशिएंट से ज़्यादा काबल है एज कम्पेयर टू बी दे टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन थर्टी नाइन डेज दोनों मिलकर अगर काम करें तो थर्टी नाइन डेज में काम कंप्लीट हो रहा है इन हाउ मनी डेज कितने दिनों में ए अलोन कैन डू इट वाइल ही वर्क इज हाफ ऑफ एज एफियंसी अब अगर ए अपनी हाफ एफियंसी काम करेगा तो वो अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा आइए हमें बताइए बिल्कुल एक मिनट का समय हम इस क्वेश्चन के लिए आपको दे रहे हैं मौज कीजिए चलिए जी समय आपका शुरू हो चुका है अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आप करके जाएंगे यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं रहेगा जो आप वहाँ अच्छे से ना कर पाएँ तो बेहतरीन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है बड़े अच्छे तरीके से बनी रहे चलिए मेरे दोस्त क्योंकि अगर आपने क्लास लास्ट ही अच्छे से देखी है कंसर्प्ट आपने सीखे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं होने वाला जो आपके पास में दिया गया है वो हम आपके पास यहाँ लिख रहे हैं ए की एपसेंसी बोली गई है ए तीस परसेंट ज़्यादा एप्सेंट है अब तीस परसेंट का मतलब क्या होता है सर समझिए तीस परसेंट का वैल्यू क्या थर्टी परसेंट की वैल्यू क्यों होगी थ्री बाई टेन यहाँ तो सबको क्लियर है थ्री बाई टेन का वैल्यू किए होगी कि अगर ए इज टू बी की एफिशिएंसी आप देखेंगे अगर एप्शियंसी देखेंगे क्योंकि बोला गया ए ज़्यादा एफिशिएंट है अगर बी की एफिशिएंसी आप टेन यूनिट्स लेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी टेन प्लस थ्री थर्टीन यूनिट्स यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अब बोला क्या है दे वर्क दे टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन थर्टी नाइन डेज ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे दैट इज़ ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे थर्टी नाइन डेज में यहाँ तक बात क्लियर है कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए अब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है अगर हम आपसे पूछेंगे ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी आपके कि पास कितनी दी गई है तेरह टू तो दस की यूनिट्स की टेन प्लस थर्टीन कितने हो गए ट्वेंटी थ्री यूनिट्स आपके पास इनकी एफिशिएंसी आ रही है बात क्लियर है कि ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी ट्वेंटी थ्री है ए प्लस बी दोनों मिलकर ये नंबर ऑफ़ डेज आ रहे हैं डेज़ आ रहे हैं एफिशिएंसी आपको पता है तो टोटल वर्क किसके बराबर होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ़ ठीक है यहां तो बात क्लियर हो जाएगी कि टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ ठीक है तो टोटल वर्क यहां पर जो है आपके पास कितना आ जाएगा टोटल वर्क टोटल एफिशिएंसी कितनी है सर ट्वेंटी थ्री इंटू टोटल टोटल आपके पास डेज कितने दिए गए हैं थर्टी नाइन इसको मल्टीप्लाई करने की फिलहाल जरूरत नहीं है ये आपके पास इतने टोटल वर्क आ जाए इतने यूनिट्स का अब बात क्या है बात हो रही है कि आपने बताना है कि ए अलोन ए अकेला अगर काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा लेकिन हाफ एप्शेंसी पहले आप निकालेंगे अगर हंड्रेड परसेंट काम को कर रहा है तो कितने दिन इसको लगेंगे टोटल वर्क आपके पास कितना आ गया थर्टी नाइन इंटू ट्वेंटी थ्री यूनिट्स का एक अकेले की ऑप्शंसी कितनी है वो आपने देख लेनी है क्योंकि यहां बोला क्या गया है बोला गया है ए अलोन कैन इन हाउ मनी डेज इन हाउ मनी डेज ए एक ए केला कितने दिन में करेगा ए की ऑप्शनसी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो तेरह यूनिट्स की आ रही है टोटल तो तो वर्क कितना है ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टी नाइन तो ए को कितने दिन लगेंगे सर टोटल तो तो वर्क कितना है ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टी नाइन डोवाइड बाई ए की ऑप्शनसी कितनी है तेरह यूनिट्स की थर्टीन वन सर थर्टीन थ्री सर थ्री थ्रीजन नाइन थ्री टूजन सिक्स मतलब ए अगर हंड्रेड परसेंट एफशियंसी से काम कर रहा है मेरे दोस्त ए अगर हंड्रेड परसेंट से काम करेगा तो उसको सिक्सटी नाइन डेज लगेंगे ए अगर अब हाफ ऑफ एफशियंसी से काम करेगा इसकी हाफ एफियंसी से काम करेगा फिफ्टी परसेंट से काम करेगा तो इसके डबल डेज लगेंगे उसको सिक्सटी नाइन इंटू टू कितने हो गया वो आपके पास वन थर्टी एट डेज उसको लगेंगे मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपने समझना है फिर से एक बार आपको क्लियर करेंगे क्वेश्चन क्या दिया गया था क्वेश्चन बोला गया था कि ए की एफिशिएंसी जो है तीस परसेंट ज्यादा है एज कम्पियड टू बी वही हमने लिखा है तीस परसेंट की वैल्यू थर्टी डिवाइड बाई हंड्रेड थ्री डिवेड बाई टन मतलब अगर ए के अगर बी की एफिशिएंसी टेन यूनिट्स की है तो बी ए की एफिशिएंसी थर्टीन यूनिट्स की आ जाएगी यहां तक बात क्लियर है ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी तेरह प्लस दस ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आपके पास तब्बीस यूनिट्स की आ जाएगी दोनों मिलकर थर्टी नाइन डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा ट्वेंटी थ्री इंटू थर्टी नाइन ए अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा ट्वेंटी थ्री इंट थर्टी नाइन डिवाइड बाई थर्टी वाक हंड्रेड परसेंट एफशेंसी आ जाएगा सिक्सटी नाइन डेज में काम कंप्लीट हो रहा है लेकिन बोला जा रहा है कि फिफ्टी परसेंट एफशियंसी हाफ से काम करे मतलब अगर हंड्रेड परसेंट एफशेंसी उसको सिक्सटी नाइन डेज लग रहे हैं तो हाफ एफियंसी इसको डबल डेज लगेंगे दैट इज सिक्स नाइन इंटू टू दटट इज वन थर्टी एट डेज इसको लगेंगे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा किसी स्टूडेंट को परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं तो आप बेहतर तरीके से सीखेंगे कंसेप्ट को क्वेश्चन नंबर थ्री आपके स्क्रीन के ऊपर बोला गया है ए B एंड C individually कैन फिनिश ए वर्क इन सिक्स एट एंड फिफ्टीन आवर्स रेस्पेक्टिवली A और B, C तीन दोस्त हैं तीनों छः आठ और पंद्रह घंटे में किसी काम को निपटा रहे हैं अलग 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 करेंगी दर दर्क टुगेदर वो एक साथ काम को करें एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क एक साथ वो काम को शुरू करें और जब काम कंप्लीट हो रहा है उनको सर मुआवजा मिल रहा है तनख्वाह मिल रही है पे मिल रही है कितना मिल रहा है एटी सिक्स रुपीज़ उनको मिल रहा है टोटल में आपको बोलना है कि इस एटी सिक्स में से बी का कितना हक है बी को कितना मिलेगा

अब जो जो चीज़ें दी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे लेकिन आप तब तक अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को चलिए हम लिख लेते हैं आपके लिए क्या दिया गया है डेटा आपके पास कि ए किसी काम को छः घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है बी जो है आठ घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है सी जो है इसी काम को पंद्रह घंटे में काम कंप्लीट कर रहा है ठीक है ये दिया गया है अब तीनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो इनको तीनों को एटी सिक्स रुपीज़ मिल रहा है क्या करेंगे सर तीनों कैल्शियम ले लीजिए सिक्स एट और फिफ्टीन इन तीनों कैल्शियम कितना है अगर आपकी एल्शियम करने की क्षमता तेज है तो आप सीधा सीधा वन ट्वेंटी ले सकते हैं नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे सर बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे कह सकते हैं सिक्स एट फिफ्टीन कोई परेशानी नहीं है जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लेकिन एल्शियम आप ले लीजिए इनका एल्शियम ले लेना है तो क्या करेंगे चलिए टू से कर लीजिए टू थ्री जर सिक्स टू फोर जर एट यहाँ फिफ्टीन एज इट इज़ ठीक है ऐसे ही करते हैं ना आप टू से फिर से थ्री टू टू जर फोर और फिफ्टीन एज इट इज फिर यहाँ कीजिए फिर से टू थ्री ऐसे ही टू वन जर फिफ्टीन एज इट इज उसके बाद फिर थ्री से करेंगे थ्री वन ज़र वन थ्री फाइव ज़र उसके बाद फाइव से कीजिए वन वन और वन फाइव से फिफ्टीन फिफ्टी टू ज़र कितना हो गया थर्टी थर्टी टू ज़र सिक्सटी सिक्सटी टू ज़र वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी आपके पास एलसीएम आ जाएगा ये कराने के इस तरह से कराने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी कि स्टूडेंट को परेशानी ना रह जाए एलसीएम कैसे निकालते हैं तो एलसीएम जो ले लिया आपने ये आपके पास टोटल वर्क आ गया अब वन ट्वेंटी को सिक्स से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया सर ट्वेंटी ठीक है मेरे दोस्त ये आपके फर्स्ट ट्वेंटी हो गया एट वन ट्वेंटी को एट से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा सर एट वन जेरो एट फाइव ज़ेर पंद्रह और पंद्रह से डिवाइड करेंगे तो आठ आ जाएगा ठीक है अब ए की ऑप्शन सी बीस आ गई बी की ऑप्शन सी पंद्रह आ गई सी की ऑप्शन सी आठ आ गई टोटल पैसा कितना मिला है इनको एटी सिक्स मिला है टोटल पैसा इनको कितना मिला है सर एटी सिक्स मिला है अब इसमें से आपको बताना है बी को कितना मिलेगा बी को कितना मिलेगा बी को मिलेगा सर फिफ्टीन इसकी ऑप्शन सी है डिवाइडेड टोटल ऑप्शन सी सबको मिला के कितनी है आठ पाँच तेरह यहाँ इन तीनों की सी कितनी आ जाएगी या आप ले लेंगे थ्री दो और एक तीनों और चार फोर्टी थ्री इनकी तीनों कैप्शनसी है डॉडे फोर्टी थ्री टोटल पैसा कितना मिला है में एटी सिक्स उसमें से पंद्रह डवाडे फोर्टी थ्री इंटू एटी सिक्स इतना मिल जाएगा फोर्टी थ्री वन जर फोर्टी थ्री टू जर फिफ्टी टू तीस रुपये जो है आपको बी को मिल जाएंगे इसमें से ठीक है इसी तरह से अगर आपके पास ए के पूछे जाते तो ट्वेंटी डॉडे फोर्टी थ्री इंटू एटी सिक्स आप कर लेते अगर बी की पूछी जाती अगर आपके पास सी की पूछी जाती तो ए डवाडे फोर्टी थ्री इंटू एटी सिक्स आपके पास आंसर आना चाहिए ठीक है मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़ेंगे अगर आप सीख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए क्योंकि आप दो जो है इस सीरीज को बहुत कम शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ऐसा ही चलता रहा तो बड़ा मुश्किल है सारी इस सीरीज को कंटिन्यू करना आपसे निवेदन है गुजारिश है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए क्योंकि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता है सर क्योंकि हमने जूनियर स्टूडेंट के साथ ये सीरीज चलाई थी और यकीन बने जिन दोस्तों ने वो देखी है मैक्सिमम स्टूडेंट के ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटियाँ हैं आप सर देख भी सकते हैं बेहतर तरीके से चलिए जी आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर फोर पी ए ल लोन कैन फिनिश अ जॉब इन ट्वेल्व डेज पी अकेला अगर किसी काम को का शुरू कर रहा है तो वो बारह दिन में कम्प्लीट कर रहा है वेल क्यो कैन डू सो इन सिक्सटीन डेज क्यो अगर इसी काम को कर रहा है तो वो सोलह दिन में काम कंप्लीट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आर आर की सहायता आर की मदद से दे हैव फिनिश अ जॉब इन फोर डेज अगर आर इनको मदद कर रहा है पी और क्यों को तो ये काम जो है चार दिन में कम्प्लीट हो रहा है कंट्रैक्ट प्राइज प्राइस जो है कंट्रैक्ट जो है इस इस काम को करने के लिए उनको 1200 मिल रहा है आपने बताना है कि आर को इसमें से कितना पैसा मिलेगा बिल्कुल इसी तरह से अभी आपने क्वेश्चन किया है एफशनसी के बेस पर वैसा ही ये क्वेश्चन है कीजिए ठीक है जी और ये क्वेश्चन आप बोलेंगे सर ये ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन आपके लिए हम बताते चले ये क्वेश्चन आपने जेके एस एल बी ने पूछा है और किस एग्जाम में पूछा है जिसके लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ पास रखी गई थी तो वो कौन सा एग्जामिनेशन था क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन था क्लास फोर के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप यकीन मानिए ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन पूछा जाए हैरानी नहीं होनी चाहिए इसीलिए आपको हम साथ में बता भी रहे हैं ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है टेन प्लस टू मैक्सिमम क्वालिफिकेशन उसके लिए रखी गई थी तो आपकी जो ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है एग्जामिनेशन ये बताइए सर पी ए चलिए डेव डेटा दिया गया तब तक हम लिख रहे हैं जब तक आपका आंसर आना चाहिए पी अकेला अगर इस काम को कर रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं सर बारह दिन लग रहे हैं क्यू अकेला अगर इस काम को कर रहा है तो उसको सोलह दिन लग रहे हैं ठीक है अब बोला जा रहा है विद हेल्प ऑफ आर अगर पी प्लस क्यू प्लस आर ये तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो ये काम को चार दिन में निपटा रहे हैं पूछा क्या जा रहा है कि बारह सौ रुपये इनको टोटल मिल रहा है उसमें से आप बताइए आर को कितना मिलेगा पहला काम आपका क्या होता है इन इन चीज़ों में इन तीनों का आपने एल्सियम ले, ले लेना है बारह सोलह और चार का वो कितना हो जाएगा बारह चार अड़तालीस सोलह तीन अड़तालीस चार अड़तालीस ठीक है जी फोर्टी एट फोर्टी एट आखिर टोटल वर्क आ गया अब ईयर को टूएल्व से डिवाइड कीजिए तो कितना आ गया ट्वेल इंटू फोर सिक्सटीन इंटू थ्री इसी तरह से आपके पास फोर फोर इंटू ये आपके पास एफिशिएंसी आ गई पी की एफिशिएंसी चार यूनिट्स है क्यू की एफिशिएंसी तीन यूनिट्स है पी प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी बारह यूनिट्स है मतलब पी प्लस क्यू दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई चार प्लस तीन सात यूनिट्स की आर केली की के एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बारह माइनस सात कितनी होगी पांच यहाँ तक तो सिंपल सर बच्चों का खेल है यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पी एकेली की एप्शेंसी चार यूनिट्स क्यू अकेली की एप्शेंसी तीन यूनिट्स पी प्लस क्यू प्लस आर की ऑप्शन कीसी बारह यूनिट्स मतलब आर अकेले की एप्शेंसी कितनी आ जाएगी बारह माइनस चार माइनस तीन बारह माइनस सात इज इक्वल टू पाँच यूनिट्स तो यहाँ से हम ले लेंगे कि आर अकेली की एप्शेंसी जो है वह आपके पास पाँच यूनिट्स आ गई कोई परेशानी यहाँ नहीं होनी चाहिए आप देखिए अब जब यहाँ तक बात पता चल गई कि आर अकेले की एफिशिएंसी सर पाँच यूनिट्स की है तो पैसा किसके हिसाब से मिलता है सर एफिशिएंसी के हिसाब से आर की एफिशिएंसी कितनी है पाँच टोटल तीनों की एफिशिएंसी कितनी है तीनों की एफिशिएंसी सर बारह है दोडाया बारह करेंगे टोटल पैसा कितना मिला है बारह सौ मिला है यह आपके पास इसको सॉल्व कीजिए आपके पास आंसर है बारह मंजर जीरो जीरो पाँच सौ रुपये जो है इसमें से आपने आर को दे देने हैं मौज कीजिए ठीक है बात समझ में आ गई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से सिर्फ सर देखने में क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनेशन में आ जाए आप पढ़ेंगे सर बोलेंगे बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जब आपने किया सर तीन तीन लाइन से कम में आपके पास आंसर है तो ऐसे समझना है क्वेश्चन को पी की ऑप्शन ऑप्शनसी चार आ गई क्यों की ऑप्शन आर की ऑप्शन बारह मतलब आर के लिए पांच आप पैसा किसके हिसाब से मिलता है आपकी काबिलियत के हिसाब से आपकी ऑप्शन हिसाब से तो आर की ऑप्शन पांच टोटल ऑप्शन बारह पांच बड़े बारह इंटू बारह सो आपने किया आपके पास आंसर पांच सौ रुपीज आ गया जो आपने आर को देने हैं

ए टू कम टू हाउ मनी डेज विल ए टेक टू कम्प्लीट द सेम alone? अब ए अगर अकेला इस काम को करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे ये आपने हमें बताने हैं कीजिए सर अटैम्प्ट बिल्कुल अटैम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन ऐसे ही हु बहु क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं तो अटैम्प्ट कीजिए ऐसे क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आपके बेहतर प्रदर्शन करने के ज़्यादा चांसे बन जाते हैं चलिए मेरे बात क्या हो रही है ये क्वेश्चन भी आपके पास जेके एस ने पूछा हुआ है जेके एस के पिछले एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए हुए हैं तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास डिस्कस कर रहे हैं पहली बात है सर एफियंसी की बात है कि आपके पास ए है और बी है एफियंसी का रेशियो इनका देखेंगे ए इज टू एज फास्ट ए बी मतलब टू इज टू वन की एफ्शियंसी ए और बी की है दोनों की ऑफिसिय कितनी आ जाएगी टू प्लस वन कितना हो गया सर थ्री ठीक है यहाँ तक तो बिल्कुल बच्चों का खेल है अब दोनों यहाँ बोला गया है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन चौबीस डेज ए और बी टोटल एफशियंसी कितनी है सर टोटल एफशियंसी आपके पास आ गई सर तीन यूनिट्स की टोटल नंबर ऑफ़ डेज आपके पास दिए गए हैं कि दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो चौबीस दिन में काम निपटा रही हैं तो इसका मतलब टोटल वर्क किसके बराबर आ जाएगा कितनी बार बोला हमने आपके पास टोल एफियंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज वो कितना हो गया थ्री इंटू ट्वेंटी फोर वो कितना हो गया आपके पास सेवनटी टू सेवनटी टू आपके पास टोटल टोटल वर्क आ रहा है सेवनटी टू यूनिट्स का अब बात क्या है बात क्या पूछी जा रही है ए अकेला ए की एफियंसी कितनी है सर टू की कितनी है टू पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज ए टेक टू द वर्क ए की एक एक कितनी है टू तो ए अकेला अगर इस काम को करेगा तो कितने दिन सो लगेंगे टोटल वर्केंटी टू डॉ ए अकेले की कितनी है सर टू टू वन टू थर्टी सिक्स तो छत्तीस दिन का काम जो है ये कंप्लीट कर देगा ए अकेला तो करेक्ट आंसर थर्टी सिक्स डेज फिर से आपको बोल रहे हैं जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं एफ्नसी में एफशियनसी बेस पर कीजिए टू एसटी वन की एफ्सिय आ गई अगर ए बी अकेला के पूछा जाता है कि बी अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है सेवनटी टू डॉटे वन डेट सेवेंटी टू डेज आ रहा है ठीक है जी तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए आपके पास ए अकेला कितने दिन में करेगा तो सेवनटी टू डॉडे टू तो आपके पास छत्तीस दिन आ गई ठीक है मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके स्क्रीन के ऊपर ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन एट डेज ए और बी अगर किसी काम को कर रहे हैं तो उनको आठ दिन लग रहे हैं आगे बात बोल रहा है मिलकर अगर ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो उनको आठ दिन लग रहे हैं चलिए आगे बात बोल रहा है बी अलोन कैन डू इट इन ट्वेल्व डेज बी अकेला अगर इस काम को कर रहा है तो उसको बारह दिन लग रहे हैं आफ्टर वर्किंग फॉर फोर डेज जब वो चार दिन काम कर रहा है बी बी लेफ्ट द वर्क बी चार दिन काम कर रहा है एक के साथ फिर काम छोड़ देता है हाउ मनी डेज विल ए टेक टू कम्पलीट द रिमेनिंग वर्क अब जो बाकी बचा हुआ काम है उसको ए कितने दिन में कम्प्लीट करेगा ये हमें आप बताइए क्वेश्चन समझ गए बेहतर तरीके से बड़े अच्छे से आपने करना है ये क्वेश्चन चलिए मेरे दोस्त क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रिपेयर करेंगे एग्जामिनेशन के लिए तो ही मकसद है इन क्वेश्चन को लाने का ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो आठ दिन में ये लिख रहे हैं हम आपके साथ ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं तो कितने दिन लग रहे हैं सर आठ दिन लग रहे हैं ऐसे ये क्वेश्चन आपने हैबिट बना लेनी है इन क्वेश्चन कैसे करने की आगे बोला गया बी अलोन बी अगर अकेला इस काम को कर रहा है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है सर बारह दिन में अब तो रहा है नहीं कुछ सर बिल्कुल यहाँ तक जब आपने बना दिया क्वेश्चन फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा आगे पूछ रहा है कि आफ्टर वर्किंग पर फोर डेज चार दिन सर ये एक दोनों मिलकर काम करें बी फिर छोड़ देते हैं पहले हम देखेंगे सर टोटल काम कितना है दोनों की दोनों की एल्सियम ले लीजिए आठ और बारह का एट थ्री जर ट्व टू जर डेट इज ट्वेंटी फोर आपके पास एलसीएम आ जाएगा यह आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा एट थ्री जर तो ट्वर इसका मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई तीन बी अकेले की एफिशिएंसी दो तो ए अकेले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी ए अकेले की एफिशिएंसी आपके पास थ्री माइनस टू वन यहां तक बात क्लियर है अच्छे से आपको समझिए अब क्या बोल रहा है सर बोल रहा है कि बी ने कितने दिन काम किया सर ए के साथ मिलकर चार दिन चार दिन काम किया अब इसका मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है सर चार दिन काम किया है दोनों की एफिशिएंसी कितनी है ए बी की दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है सर तीन है इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया होगा टोटल वर्क डन कितना काम हो गया होगा फोर इंटू थ्री डाट इज ट्वेल्व यूनिट का काम जो है वो निपटा दिया गया है खत्म हो गया है टोटल वर्क कितना सर छब्बीस था छब्बीस में से बारह यूनिट का काम हो गया है तो रिमेनिंग वर्क कितना है रिमेनिंग वर्क कितना है छब्बीस यूनिट का टोटल वर्क था इसमें से बारह यूनिट्स का काम तो निपटा दिया गया है तो बारह बचा बारह बारह यूनिट्स का काम अब ये बारह यूनिट्स का काम कौन करेगा क्योंकि बी ने तो हाथ खड़े करके वो भाग गया है बाकी कौन बचा है सर ए बचा है ए की सी कितनी है सर एक है जी A, A ए ए की ऑप्शन सी ए है टोटल वर्क कितना है सर आपके पास ट्वेल्व टोटल ऑप्शन सी की कितनी है वन ट्वेल्ल डिवाइड वन कितना हो गए सर ट्वेल्व डेज इसको लगेंगे काम कंप्लीट करने में क्यों क्योंकि हमने कंसर्ट पढ़ा है कि टोटल निकालना क्या है टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ़ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ठीक है जी अब जब हमने निकालना था ए की तो टोटल टोटल वर्क कितना सर बारह यूनिट्स का रिमेनिंग था टोटल ऑप्शनसी ए की कितनी है सर वन है ट्वेल्व डिवाइड बाई वन टेज को लगेंगे काम कंप्लीट करने में ठीक है बात क्लियर हो गई आगे बढ़े अगर इसके बरके ये पूछा जाता कि सर यहाँ बोला गया था कि बी ने सर आगे पास चार दिन काम करके छोड़ दिया यहाँ बोला होता कि ए छोड़ रहा है जब ए छोड़ जाते तो कौन बाकी बचा वो बारह यूनिट्स का काम कौन करता है सर बी करता है बी की ऑप्शनसी कितनी है दो तो बारह डिवाइड बाई टू आप करते तो छः दिन में काम कंप्लीट हो जाता ठीक है बात समझ रहे हैं बहुत अच्छी अगर आप समझ रहे हैं तो आप लाइक बटन पर अपना जो है समर्थन दिखा सकते हैं अपनी सपोर्ट दिखा सकते हैं चलिए जी बिल्कुल जी क्वेश्चन सेवन आपके स्क्रीन के ऊपर सर ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे यकीन मानिए बिल्कुल ढूंढ ढूंढ के ऐसे क्वेश्चन आपके इसे ला रहे हैं ताकि आपका बिल्कुल अच्छे से आइडिया आपका आ जाए किस तरह के एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इफ़ ये आई एफ है सर इफ फिफ्टीन मैन टेक ट्वेंटी डेज ऑफ एट आवर्स ईच टू डू ए पीस ऑफ वर्क

अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं क्योंकि जो हमने कल की क्लास में आपको एम डी एच का फार्मूला दिया है वो याद होगा तो फिर तो परेशानी ही नहीं है जो फिलहाल कंसेप्ट दिया गया है वो हम आपके पास लिख रहे हैं यहाँ पर आपके आसानी बनाने के लिए बोला गया है कि पंद्रह आदमी फिफ्टीन मैन ये सर इक्कीस डेज ले रहे हैं ट्वेंटी वन डेज ले रहे हैं और हर दिन में वो कितने घंटे काम करें एट आवर्स आगे बोला जा रहा है आगे बोला देन वट इज़ द नंबर ऑफ डेज कितने कितने दिन लगेंगे इनको एक्स डे कितने दिन लगेंगे सर हमें नहीं पता है डी टू डेज आपने निकालने हैं हर दिन में अगर छः घंटे वो काम करेंगी कौन इक्कीस वुमेन ठीक है जी ये आपको निकालना है कि पंद्रह आदमी इक्कीस दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं और हर दिन वो आठ घंटे काम कंप्लीट कर रहे हैं इक्कीस वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे अगर हर दिन वो छः घंटे काम करेंगे कंडीशन ये है कि थ्री वुमेन जो हैं तीन वुमेन जो है वह आप पर टू मैन के बराबर है ये कंडीशन है अब कीजिए अटैम्प्ट ठीक है मेरे दोस्त अब आपने क्या करना है बड़े बेहतर तरीके से इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि तीन वुमेन आपके पास दिए गए हैं दो आदमी के बराबर अब आप यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है यहां पर दूसरी कंडीशन में इक्कीस वुमेन तो इक्कीस वुमेन किसके बराबर आ जाएंगे क्योंकि तीन वुमेन आपके पास किसके बराबर दिए गए हैं टू मैन के बराबर इसका मतलब आपके पास जो इक्कीस वुमेन है इक्कीस वुमेन कैसे सेवन से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको सेवन थ्री जेर ट्वेंटी वन टू सेवन टू जर फोटीन फोर्टीन मैन के बराबर आ जाएंगे ठीक है अब यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या था इक्कीस वुमेन ठीक है इक्कीस वुमेन इक्कीस वुमेन किसके बराबर आ गया आपके पास फोर्टीन आदमी के बराबर अब पंद्रह आदमी यहां पर क्वेश्चन आपके पास बन के आ जाएगा कि फिफ्टीन आदमी इक्कीस दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं यहां पर आपके पास देख रहे हैं पंद्रह आदमी इक्कीस दिन में हर दिन में आठ घंटे काम कर रहे हैं शुड बी इक्वल टू चौदह आदमी क्योंकि आपके पास इक्कीस वुमेन जो है यहाँ पर ट्वेंटी वन वुमेन किसके बराबर आ गए फोर्टीन मैन के बराबर फोर्टीन आदमी कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे अगर हर दिन वो छह घंटे काम करें हैं एम एम वन डी वन टी वन शुड्यू वन इजल टू डब्ल्यू टू ये हमने पढ़ा था ठीक है अगर आपको याद होगा क्लास में ये पढ़ा था ये फार्मूला पढ़ा था एम वन डी वन टी वन इज इक्वल टू एम टू डी टू टी टू एक्चुअल में फॉर्मूला क्या था डिवाइड बाई डब्ल्यू वन यहाँ था डिड बाई डब्ल्यू टू यहाँ था अब दोनों अगर डब्ल्यू वन डब्लू टू सेम है तो डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कैंसल आउट हो जाएंगे तो फार्मूला क्या बन के आ जाएगा फार्मूला ये रह जाएगा आपके पास कि एम वन डी वन टी वन इज टू एम टू डी टू टी टू यही हमने ले लिया एम वन की वैल्यू फिफ्टीन डी वन की वैल्यू ट्वेंटी वन टी वन की वैल्यू एट एम टू की वैल्यू फोटीन डी टू आपने निकालना है टी टू की वैल्यू आपके पास छः तो आप सॉल्व करेंगे इसको आपके पास आंसर आ जाएगा चलिए यहाँ कर लेते हैं इसको सेवन टू जैर फोर्टीन सेवन थ्री जर ट्वेंटी वन ठीक है जी यहां कर लेते हैं टू वन जार टू फोर जर एट थ्री वन जर थ्री थ्री टू जर सिक्स टू वन जर टू 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 जेर फोर फिफ्टीन इंटू टू कितना हो गया सर थर्टी इसका मतलब डी टू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास थर्टी डेज ये आपके पास आंसर आ गया ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही आपने निपटा देनी है चलिए मेरे दोस्त उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ हो गया होगा बोला गया था पंद्रह आदमी इक्कीस दिन में काम कम्प्लीट करें हैं। हर दिन आठ घंटे काम करके इक्कीस वुमेन कितने दिन में काम करेंगे अगर छह घंटे वो काम करेंगे कंडीशन थ्री थ्री वुमेन इजगल टू टू मैन तो आप यहाँ लेंगे इक्कीस वुमेन किसके बराबर आ जाएंगे फोर्टीन मैन के बराबर आ जाएंगे तो आप आपके पास एम वन डी वन टी वन एम टू डी टू टी टू फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन डालने से पहले गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और साथ साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्वेश्चन नंबर एट आज की क्लास का थ्री गर्ल्स एंड टू बॉयज़ ये एंड का क्वेश्चन हमने आपको कल दिया है कल कल कंसेप्ट दिए हैं ये आप आपने समझने हैं थ्री गर्ल्स एंड टू बॉयज कैन डू ए पीस सेम वर्क इन टेन डेज वाइल थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स कैन डू ए सेम वर्क इन ए डेज तीन गर्ल्स और दो बॉयज किसी काम को दस दिन में काम कंप्लीट करें रहे थ्री बॉयज़ और टू गर्ल्स इस काम को आठ दिन में कर रहे हैं इन हाउ मनी डेज कितने दिनों में टू बॉयज एंड वन गर्ल कैन डू द सेम वर्क ये हमें आप बताइए चलिए सर क्वेश्चन क्या है आप समझ गए हैं आप अटैम्प्ट कीजिए बिल्कुल जी चालीसेंट का क्वेश्चन है चालीस कैकड़ से पहले ही आपने निपटा देना है टू बॉयज पुलिस थ्री गर्ल्स किसी काम को सर दस दिन में कर रहे हैं यह आपके पास कंडीशन है आगे बोला गया है थ्री बॉयज पुलिस टू गर्ल्स इस काम को आठ दिन में कंप्लीट कर रहे हैं पूछा क्या गया है पूछा गया है क्या आप हमें बताइए दो बॉय दो लड़के और एक लड़की टू गर्ल अगर इस काम को करेंगे तो कितने दिन इनको लगेंगे ये हमें आप बताइए अगर आपको कल की क्लास याद होगी कल को जो हमने आपको ट्रिक दी थी वो अगर आपको याद होगी अच्छे से वो आपने समझी होगी तो ये क्वेश्चन सर चुटकी में निपट जाएगा क्या ट्रिक दी थी हमने अगर आपको याद होगी ये हम चलिए इस कलर से आपको दे देते हैं ट्रिक दी थी इस टेन से इसको टू को, को मल्टीप्लाई कर दिए इस टेन से इस थ्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस एट से इस थ्री को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस एट से इस टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन टू उज़र कितना हो जाएगा आपके पास टेन टू इज़र ट्वेंटी बॉयज़ आ जाएगा इसी तरह से यहाँ पर एट से ज़र ट्वेंटी फोर बॉयज़ आ जाएगा सिमिलरली टेन थ्री ज़र थर्टी गर्ल्ज आ जाएगा यहाँ पर एट टू ज़र सिक्सटीन गर्ल्ज यहाँ पर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस ले लीजिए कितना आ गया यहाँ पर फोर्टीन गर्ल्स हो गया इज इक्वल टू का मार्क बीच में ले लीजिए इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए फोर बॉयज़ हो गया मतलब चार बॉयज़ जो है वो किसके बराबर आ गए फोर्टीन गर्ल्स के बराबर आप दोनों में से कहीं कहीं परफेक्ट कर दिए टू बॉय ले लेने आपने चलिए टू बॉय ले लेते हैं टू बॉयज़ किसके बराबर आ जाएंगे तो टू बॉयज़ किसके बराबर आ जाएंगे टू से इसको डिवाइड कर दिए सेवन गर्ल्स के बराबर आ जाएंगे यहाँ तक कंडीशन क्लियर है अब ये कंडीशन टू बॉयज़ इजल टू तो सेवन गर्ल्स फिट कर दिए सर यहाँ पर टू बॉयज़ इज इजल टू तो सेवन गर्ल्स तो टू बॉयज़ के बदले आप सेवन गर्ल्स जब लिखेंगे सेवन गर्ल्स प्लस थ्री गर्ल्स कितने हो गए दस गर्ल्स इसका मतलब आपके पास पहली पहली में से क्या आ जाएगा कि दस गर्ल्स किसी काम को कितने दिन में काम कंप्लीट करें ये बोला गया आपके टू बॉयज़ प्लस थ्री गर्ल्स टू बॉयज़ के बदले आपने सात गर्ल्स ले ली सात प्लस तीन तीन दस गर्ल किसी दिन किसी काम को दस दिन में कंप्लीट करें ये आपने टेन डेज लिख लिया ठीक है अब आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में क्या पूछा गया यू हैव टू फाइंड आउट टू बॉयज प्लस वन गर्ल टू बॉयज किसके बराबर निकले अभी आपके पास सात गर्ल्स के बराबर सात और एक आठ 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 गर्ल्स गर्ल्स इस इस काम को आठ, आठ इस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपको निकालना है तो आप क्या लिखेंगे आप ये आपके पास एम वन है आपके डी वन है या पर डी टू है तो एम वन की वैल्यू टेन चलिए यहां पर ले लेते हैं एम वन की वैल्यू टेन डी वन की वैल्यू टेन इज इक्वल टू एम टू की वैल्यू एट डी टू की वैल्यू आपने निकालनी है यही आपने करना था क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है सर इसको आप कीजिए टू फोर जेर एट टू फाइव जर टू टू जर फोर टू फाइव जर फाइव फाइव जर ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू कितना हो गया डेटाई डी टू इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई टू आपके पास साढ़े बारह टू पॉइंट फाइव ये आपके पास आंसर आ गया इसका ठीक है जी ये क्वेश्चन था ये आपको करना था फिर से एक बार बोल रहे हैं जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए एंड के बेस पर टेन को टू से मल्टीप्लाई कर दिए अपने बॉयज़ को बॉयज़ के साथ गर्ल्स को गर्ल्स के साथ फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए रिलेशन ले लीजिए रिलेशन यहाँ पर आ गई तो दो में से किसी इक्वेशन में फिट कर दीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया उसके एम डी एम वन डी वन टी वन फार्मूला बना दीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है ये आपके पास और बेसर क्वेश्चन है एंड और और बेसर ये हमने कल आपको शॉर्टकट दी है ये आपने बताना है आप बिल्कुल वही शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करके थर्टी वुमेन और ट्वेंटी फोर मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन ट्वेल्व डेज एटीन मैन एंड फोर्टी वुमेन वर्किंग टुगेदर विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मनी डेज बताइए सर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए क्वेश्चन क्या बोला गया है तीस वुमेन आपके पास छब्बीस मैन के बराबर है ये, ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं बारह दिन में अठारह आदमी और चालीस वुमेन इसी काम को और करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे यह हमें आप बताना है एक तो बेसिक तरीका है वो भी हमने कल की क्लास में आपने सिखाया है दूसरी शॉर्टकट ट्रिक बेसिक तरीके से आप, आप कीजिएगा बिल्कुल बेसिक तरीके से भी आप कर सकते हैं वो भी आप कीजिएगा लेकिन इस क्लास में हम आपको शॉर्टकट ट्रिक जो हमने सिखाई है वो आप इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट कर ट्रिक में हमने क्या आपको पढ़ाया है आप लिखते हैं सर डेज डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई आर बस इतना आपने याद रखना है सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे आप देखिए यहां क्या आ जाएगा इजिकल टू डेज कितने दिए गए हैं डेज कितने दिए गए हैं ट्वेल्व डेज तो आपने ट्वेल्व ले लिया डिवाइड बाई एंड में आपके पास मैन कितने हैं एटीन है तो एटीन तो आपने, आपने लिख लिया और में आपके पास मैन कितने हैं ट्वेंटी फोर हैं तो ट्वेंटी फोर आपने लिख लिया पुलिस टाइमस एंड में आपके पास वुमेन कितने हैं एटीन मैन एंड में आपके पास फोर्टी वुमेन है फोर्टी आपने लिख लिया और में आपके पास वुमेन कितने हैं थर्टी थर्टी वुमेन और लिखा है ना बीच में तो थर्टी इसको सॉल्व कीजिए ये आपके पास आंसर है तो आपके पास यहाँ यहाँ क्या बन के आ जाएगा यहाँ अगर आप थोड़ा इसको करेंगे सॉल्व तो सिक्स थ्री जर एटीन सिक्स फोर ट्वेंटी फोर ठीक है जी जीरो जीरो कैंसिल आउट तो थ्री थ्री जर नाइन टूल डिवाइड बाई डिनेट में क्या है सर नाइन प्लस सिक्सटीन कितना हो गया सर वो पच्चीस होल डिवाइड बाई फोर सीजर जर कितना आ जाएगा बस ट्वेल इंटू टूल्व डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव वो पास आंसर कितना आ जाएगा वन फोर्टी फोर डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव डेज ये आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है मेरे दोस्त ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा उम्मीद करते हैं अच्छे से आप सीख रहे होंगे चीज़ों को चलिए एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन का आंसर सब दो जो है कमेंट बॉक्स में हमें देंगे इफ ए पर्सन कंप्लीट इस थ्री बाई फोर्थ ऑफ वर्क इन नाइन डेज अगर कोई आदमी थ्री बाई फोर्थ काम जो है नाइन डेज में कंप्लीट कर रहे हैं देन हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग पोर्शन जो बाकी बचा काम है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये हमें आप बताएंगे तो इसका आंसर हम आप सब जो है होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उम्मीद करेंगे कि आज की क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट क्योंकि सर ये क्वेश्चन बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है अगर ये क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो टाइम भर के कोई भी कंसेप्ट नहीं बच रहा है आपके पास चलिए सर मिलते हैं अगली वीडियो में टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर थैंक यू थैंक्स यू लॉड फॉर वॉचिंग